بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। दोस्तों, आपके अपने प्रोग्राम में आपका अपना मेज़बान मोहम्मद नदीम बाबर आपकी खिदमत में हाजिर है। और जैसा कि आपको पता है कि वारिस एविएशन ट्रेनिंग एकेडमी के सिलसिले में ये प्रोग्राम हम लोग यूट्यूब करते हैं, और हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक शुरू में हम एक अच्छी बात करते हैं। तो अच्छी बात आज इस तरह से करते हैं कि मुझे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात याद आ रही है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। 90 लाख लोग उनके हाथ पे शर्फ इस्लाम हुए। शायद मैं कहता हूँ, मैं सलाम करता हूँ अपने उस बड़े को कि जिसने उनके हाथों बैत की और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा, वरना शायद आज मेरा नाम मोहम्मद नदीम बाबर नहीं, हो सकता है करतार सिंह होता। ये उनका वाक्या मुझे एक याद आता है कि नहर के किनारे अपने कुछ मुरीदैन के साथ जा रहे थे, तो अचानक उनकी नजर नहर के किनारे पे पड़ी तो एक बिच्छू चलता हुआ फिसला और नहर में गिर गया। उन्होंने झुकते हुए जल्दी से अपने हाथों का चुल्लू बनाया और बिच्छू को बाहर निकालने के लिए उठा लिया। इंसानी फितरत है, उनके हाथों से पानी बह गया और जैसे ही बिच्छू को खुशकी मिली उसने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे डस लिया। अब वली भी इंसान होता है, तो उनका हाथ काम गया और बिच्छू गिर गया। जैसे ही वो बिच्छू गिरा उन्होंने फिर दोबारा पकड़ा, फिर इसी तरह हुआ, बिच्छू फिर गिर गया। जब तीसरी दफा ऐसा हुआ और हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने दोबारा बिच्छू को उठाने के लिए झुके तो एक खलीफा कहने लगे कि सरकार दफा करे, मरने दे इसको, ये तो बिच्छू है, ये तो अपनी खसलत से बाज नहीं आएगा। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह जल्दी से मुखातिब हुए कि अगर ये अपनी खसलत से बाज नहीं आ रहा तो मैं अपनी खसलत से बाज ना आऊं, क्यों ना आऊं, मैं अपनी खसलत से बाज क्यों आऊं। तो फरमाया कि अगर मैंने इसको मरने छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया, तो मेरे में और इसके दरमियान कोई फर्क बाकी ना रहेगा। तो गाइस, हमें ये सबक मिलता है कि दुनिया में हमारे साथ बेशुमार लोग बुराइयां करते हैं, उन्होंने अपनी कब्र में जाना है, आपने अपना पर्चा देना है। आप अपनी तरफ से बेहतर करते जाइए, उनको अपना काम करने दीजिए, अल्लाह ताला उन पे भी रहम करे और अल्लाह ताला आप पे भी। उम्मीद करता हूँ आपने बात से कुछ सीखा होगा। आइए चलते हैं हम अपनी ट्रेनिंग की तरफ। हमारी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग चल रही है और अभी तक हम प्री रिफ्यूलिंग पे पहुंचे हैं। आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि ये ऑपरेशन फिजिकली फिटिक तो नहीं देता, लेकिन मेंटली बड़ी बंदे को अलर्ट रहना पड़ता है, कितनी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए। अब वो बंदा प्री रिफ्यूलिंग चेक, एडीआर, रेडियो ब्रावो और अपनी पीपीज के साथ जहां पे स्टेशन होता है वहां पे इक्विपमेंट की पार्किंग होती है, जितने भी इक्विपमेंट होते हैं चाहे वो डिस्पेंसर हो या चाहे वो रिफ्यूलर हो, वहां पार्क होते हैं। तो उस बंदे के पास उसी रिफ्यूलर की या डिस्पेंसर की फाइल होती है, उस पे नाम लिखा होता है। जैसे रिफ्यूलर को हम कहेंगे R1,
और जितने भी रिफ्यूलर होंगे उसका कॉल साइन होगा आर, आर वन, आर टू, आर थ्री, आर फोर, इसी तरह। और डिस्पेंसर को हम लगा लेंगे डी वन, डी टू, डी थ्री, डी फोर, इस तरह। तो अब से कि उसकी रिफ्यूलिंग थी डिस्पेंसर के साथ, अब उसके पास जो डिस्पेंसर है वो है डी फाइव। अब उसने सबसे पहले, अब तीसरी चीज जो बताना भूल गया, वो गाड़ी की चाबी भी है। एज पर सिक्योरिटी रूल्स आप गाड़ी की चाबी इग्निशन में नहीं रख सकते, ये नया रूल है, पहले रखते थे, अब ये सारी गाड़ी की चाबियां जो होती हैं सुपरवाइजर के पास होती हैं। वो गाड़ी की फाइल, गाड़ी की चाबी एक ही साथ ऑपरेटर को देता है। अब जनाब ऑपरेटर जाके इग्निशन ऑन करता है, सबसे पहले गाड़ी को, गाड़ी के अंदर बैठ के अपनी पोजीशन जल्दी से सेट करता है। जो आप देखिएगा डिफेंसिव ड्राइव आज का इशू था अंग्रेजी में, उसके बारे में हमने बात की। इग्निशन ऑन करता है, बैठता है, अपनी गाड़ी को चेक करता है, सारी चीजें देखता है कि अंदर ओके है। गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद नीचे आ जाता है। अब गाड़ी को के अंदर जो सिस्टम है वो न्यूमेटिक है। उसकी जो इंटरलॉक सिस्टम है, ये इंटरलॉक क्या होते हैं इसके बारे में भी बात होगी इंशाल्लाह ताला, वो सारा सिस्टम गाड़ी का न्यूमेटिक है। अब जो रिक्वायर्ड हवा होती है उसकी गेज पैनल पे आ रही होती है। अब जैसे ही वो कंप्लीट होती है तो गाड़ी में एक ऑटोमेटिक आवाज आती है हवा की रिलीज होने की, बंदे को पता चल जाता है अब मेरा सारा सिस्टम ऑपरेटिव हो गया है। उसके बाद उसके पास एक प्री रिफ्यूलिंग चेक जो होता है वो फाइल होती है, उसमें 10 से 12 पॉइंट होते हैं जो उसको चेक करने हैं, और ये वो पॉइंट होते हैं जो रिफ्यूलिंग पॉइंट होते हैं। सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करने के ऊपर वो एक वॉक अराउंड करता है, इसको हम कहते हैं 360 डिग्री वॉक अराउंड। गाड़ी के गिर्द घूमता है कंप्लीट, ऊपर से नीचे गाड़ी को देखता है, टायर्स देखता है, हवा विजुअली देखता है, गाड़ी की कोई लीकेज तो नहीं है देखता है, ये सारी चीजें देखने के बाद फिर वो जो लिस्ट बनी होती है प्री रिफ्यूलिंग चेक की, वो उसके मुताबिक एक 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 करके सारी चीजों को चेक कर लेता है। वो प्री रिफ्यूलिंग चेक फॉर्म भी आपको इंशाल्लाह मैं बता दूंगा कि उसमें क्या क्या चीजें चेक होती हैं, क्योंकि अगर आपको मैं अभी बता दूंगा कि इंटरलॉक सिस्टम क्या है, मैं कहूंगा जी उसने डेक होज की कपलिंग का इंटरलॉक चेक किया, तो आपके ऊपर से गुजर जाएगा कि ये क्या डेक होज की कपलिंग है कि जिसका इंटरलॉक क्या है, ये अभी नहीं बताऊंगा, अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए कि चीजें क्या है। जब हम इन सारी चीजों की डिटेल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। और मैं स्टाइल आपके साथ मैंने ये रखा हुआ है कि आपको हर चीज आसानी से समझ आ जाए। अब वो 10-12 पॉइंट जो होते हैं वो चेक करता है, वो पॉइंट वो होते हैं जो कि एयरक्राफ्ट पे यूज होते हैं, जिसके जरिए हम रिफ्यूलिंग करते हैं, और वो चेक करने के बाद उसको टिक करता है, ओके करता है और पूरा हो जाता है। अगर मिसाल के तौर पे एक लिफ्ट प्लेटफॉर्म आपने देखा मेरी पिछली वीडियो में कि लिफ्ट प्लेटफॉर्म होता है, दो होज होते हैं उस पर पाइप, वो एयरक्राफ्ट को कनेक्ट होते हैं। अगर मिसाल के तौर पे बंदे की अब प्री रिफ्यूलिंग किया क्यों जाता है ये बताना चाहता हूं। मिसाल के तौर पे अगर आपने गाड़ी का वो प्री रिफ्यूलिंग चेक नहीं किया और उस गाड़ी की लिफ्ट जो है वो मल फंक्शन कर गई है, वो खराब हो गई है, और ये कह के चले कि जो पिछले ड्राइवर ने, जो पिछले ऑपरेटर, रिफ्यूलिंग ऑपरेटर डिजिग्नेशन है, रिफ्यूलिंग ऑपरेटर ने जो किया उससे कुछ गलती हो गई, उसने वो छुपा लिया, अपनी रिफ्यूलिंग तो उसने कर ली, अब इस डर से कि यार मैं बताऊंगा मेरी गलती हाईलाइट हो जाएगी, तो वो आराम सुकून से बचने के चक्कर में बताता नहीं है। और वो स्नैक बुक भी आपको मैंने कल बताया था, वो मेंटेनेंस के बारे में लास्ट जो मैंने बात की थी वही, कि मेंटेनेंस वाले आते हैं, स्नैक बुक उठाते हैं और देखते हैं गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, अगर उनको प्रॉब्लम मिले तो उसको रेक्टिफाई करते हैं, वेरी सिंपल। तो अब जनाब वो बंदा जैसे ही गाड़ी अगर बगैर प्री रिफ्यूलिंग चेक के ले गया,
अब वो जो 10-12 पॉइंट है जो वहां पे यूज होते हैं, उनमें से 11 पॉइंट सही थे, 12वां पॉइंट से मुराद वो इंस्ट्रूमेंट, वो कंपोनेंट जो जहाज के साथ कनेक्ट होता है, जो रिफ्यूलिंग के लिए यूज होता है, अब वो काम नहीं करेगा। तो 11 के 11 करेंगे और 12वां नहीं करेगा तो रिफ्यूलिंग होगी नहीं होगी। तो इसलिए वो 10 या 12 पॉइंट या 13 पॉइंट पूरे चेक करने जरूरी हैं और उनका फंक्शनल होना जरूरी है, क्योंकि अगर एक भी पॉइंट वहां से काम नहीं करता होगा तो आपकी रिफ्यूलिंग कंडक्ट नहीं होगी और फेलियर हो जाएगा और जहाज डिले हो जाएगा, और जहाज हमारी फील्ड में जहाज डिले होना मौत है, पॉसिबल नहीं है, मर जाता है बंदा कि जहाज ना डिले हो मेरा, क्योंकि बड़ी सारी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बड़ी नुकसानात है, बड़े मसाइल हैं इसमें। खैर, मैं आपको डराना नहीं चाह रहा, बिल्कुल मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसके अंदर क्या है। आपको सिर्फ अब देखिए प्री रिफ्यूलिंग पे बात कर रहे हैं हम। अगर आपने ये 10-12 पॉइंट चेक कर लिए तो मुश्किल है, आपने सिर्फ ओपन एंड क्लोज ही करना है, बस देखते जाना फंक्शनल है नहीं फंक्शनल। नहीं फंक्शनल उसी वक्त आपने अपने सुपरवाइजर को अपने ब्रावो पे कहना, भाईजान ये जो मुझे D5 आपने दी थी इसकी लिफ्ट ही नहीं काम कर रही। वो एक सेकंड के अंदर आपको बंदा भिजवाएगा और D6 की गाड़ी की चाबी आपको मिल जाएगी विद प्री रिफ्यूलिंग चेक फॉर्म। आप ADR निकालेंगे, D5 की गाड़ी की चाबी और पैड उसके हवाले कर देंगे और D5 को चेक करके आप चल पड़ेंगे। अब मैं जो बताना चाह रहा हूं, मिसाल के तौर पे आपकी लिफ्ट काम नहीं करती, एक पॉइंट बता रहा हूं जो कि आपको इजीली समझ आए, बाकी पॉइंट में थोड़ी टर्मिनोलॉजी है। इंशाल्लाह इस रिफ्यूलिंग के बाद मैं आपको जितने हैं वो ग्लॉसरी ऑफ टर्म्स के बारे में बताऊंगा, 10-10 करके बताऊंगा ताकि आपको याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए कि वो क्या चीज। हमारे प्रोड्यूसर साहब की तरफ से टाइम की भी धमकी आती रहती है, आपको पता ही है, क्योंकि हमने ये शो खत्म करना होता है विद इन 15 मिनट, तो अभी हमारे पास टाइम है, अभी हमें एक छोटा सा सिग्नल आया है। एनी हो, तो वो अब इसकी लिफ्ट काम नहीं करती थी, इसने कहा जी ये गाड़ी की रिफ्यूलिंग तो पीछे हो चुकी है आधा घंटा पहले, अब मैं इसको क्या चेक करूं, वो गाड़ी ठीक है। अब वो गाड़ी ले गया, अभी मैं लेके जाने पर भी बात होगी, अभी पहले मैं उस खराब लिफ्ट वाली गाड़ी की बात करूंगा। अब वो जैसे ही ले गया, उसने गाड़ी कनेक्ट की नीचे से, ये हमारा प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले एक तार होती है, इसे हम बॉन्डिंग केबल कहते हैं, तो वो हम सबसे पहले कनेक्ट करते हैं जहाज को। क्यों करते हैं, किस तरह करते हैं, किस लिए करते हैं, ये बताऊंगा मैं, हर चीज आहिस्ता बताऊंगा ताकि आपको समझ आए। उसके बाद अब इनलेट कपलर, मैं उम्मीद करता हूं कि इनलेट कपलर अब आपको समझने में मुश्किल नहीं है, वो ही जमीन पे जो हाइड्रेंट पिट है उसके साथ अपनी गाड़ी का बड़ा पाइप कनेक्ट करना है, 4 इंच के होस का, वो कनेक्ट कर लिया। अब उसने क्या करना है, इसको हम कनेक्शन कहते हैं, हमें इशारा आ रहा है, नो प्रॉब्लम, एक मिनट लूंगा जल्दी से। अब उसने कनेक्ट करना है डेक होस लिफ्ट। अब जनाब जैसे ही वो सारी कनेक्शन के बाद ऊपर चढ़ा और लिफ्ट को ऑपरेट कर रहा है, लिफ्ट काम ही नहीं कर रही, हो गया ना भंड, हो गया काम। अब वो परेशान हो, अब चूंकि मैंने आपको बताया कि हमारी फील्ड में डिले का होना मौत है, अब सबसे पहली क्योंकि उसने गलती कर ली, उसने लिफ्ट नहीं चेक की थी, फंस गया वो। अब जब बंदा फंसता है तो क्या होता है, वेरी गुड, पैनिक, और जब पैनिक होता है तो क्या होता है, सब कुछ जीरो हो जाता है। तो देखिए उसने सिर्फ चेक नहीं किया था और यहां पे क्या उसके साथ पंगा हो गया। तो इसलिए प्री रिफ्यूलिंग को ईमानदारी के साथ वो 10-12 पॉइंट चेक करने हैं। तो आज का टाइम खत्म होता है, हम प्री रिफ्यूलिंग पे पहुंचे थे और कल इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूं कि हम जहाज को कनेक्ट करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को थम्स अप कीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आपको पूरी अपडेट्स मिलती रहें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शंस में, उनको यूज़ करें और इंशाल्लाह ताला कोई भी सवाल है तो आपका भाई आपके लिए हाजिर है। कल तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।